Find your passion and it's no longer work. Hello everyone, my name is Vinay Kumar Pandey and today I am going to talk about how your passion is going to affect your profession. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो एक सोर्स है नॉलेज का जो एक सोर्स है जहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर राइट right. सो so, uh, आज मेरे इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि हमारी क्या क्या करियर चॉइसेस हो सकती हैं और हमारी करियर चॉइसेस कैसे हमारे पैशन को अफेक्ट करती हैं और इवेंचुअली वो पैशन कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है और ये जो पूरा रास्ता है जो पूरी जर्नी है ये कैसे एक सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट होती है सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज पैरामीटर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट योर करियर अफेक्ट्स सो इन माई नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ करियर चॉइस अपने करियर को कैसे चूज़ करें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास गूगल होता है जहाँ पर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं आपके पास रिलेटिव्स होते हैं जो आपको बहुत सारा नॉलेज देने के लिए हमेशा रेडी होते हैं जिनके पास आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है बट उन्हें ये नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई राइट right. सो so, uh, कभी भी आपके पास कोई रिलेटिव आता है या कभी भी आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि किसी रिलेटिव के किसी बच्चे ने कुछ करियर चॉइस करी थी और वो सक्सेसफुल हो गया तो आपको भी ये कर लेना चाहिए नेवर एवर डू दैट आप लोगों को पता है कि हर किसी का ब्रेन सेट अलग होता है हर किसी का बिहेवियर अलग होता है और हर किसी की अडाप्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत अलग होती है तो जब भी हम किसी चीज़ को अडाप्ट करते हैं अडाप्ट इन द सेंस कि जैसे हमारा पैशन है सिंगिंग तो अगर हमने सिंगिंग के फील्ड में अपना करियर चूज़ किया है तो डेफिनेटली हमें उसके लिए एफर्ट्स करने हैं ना कि हमें एक क्रिकेटर बनना है तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अगर आप एक क्रिकेटर अगर आपके अंदर है और आप चाहोगे कि एक अच्छे सिंगर बन जाए क्योंकि आपकी फैमिली में सब ने सिंगिंग करी है तो ये कभी नहीं हो सकता Uh, ये जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में जो चीज़ें चली आ रही हैं बहुत सालों से वो भी आप फॉलो करें ये कभी भी डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पर ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली किस चॉइस uh, को अपनाना चाहते हैं आपका पैशन किस चीज़ में है और आपका करियर उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है राइट right? सो so, यहां पर मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा हाउ टू मेक अ करियर चॉइस करियर कैसे चूज करें इसके कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप है नो योर सेल्फ बहुत जरूरी है कि कोई भी करियर को चूज करने के पहले ये आप जान लें कि आप की चॉइस क्या है आप क्या चाहते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कौन कौन से पैरामीटर से अफेक्ट होते हैं अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं या आपके अंदर क्या चीजें चल रही हैं तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप फॉर अ सक्सेसफुल करियर राइट सो नो योर सेल्फ में मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट की वैल्यूज की स्किल्स की सेट्स की रिसोर्सेस की एंड अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके करियर चॉइस पर आगे हम बात करेंगे बहुत डिटेल में अभी इसके बारे में सेकेंड स्टेप होता है एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज दैट मीन आपके पास क्या क्या चॉइसेस क्या, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके अराउंड आपके पास गूगल है फॉर एग्जाम्पल राइट गूगल पर बैठकर आप किसी कॉलेज को चूज नहीं कर सकते जब तक आप उस कॉलेज में जाओगे नहीं जब तक आप उस कॉलेज का विजन मिशन समझोगे नहीं जब तक आप उस कॉलेज के कोर्सेज को नहीं देखोगे वहाँ के प्लेसमेंट को नहीं समझोगे वहाँ की वर्कशॉप्स और लैब्स को नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में मार्केट में क्या चल रहा है राइट right? गूगल आपको यूट्यूब आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखा देगा बहुत सारे ऑप्शन दिखा देगा बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे देगा बट स्टिल यू नीड टू गो टू योर कॉलेज इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन सम

बीटेक फाइन ठीक है बट बीटेक के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स है अब आपको यह पहचानना है कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी कौन सी स्ट्रीम में आपका मन लगेगा कौन सी स्ट्रीम में आप अपना करियर बना पाओगे और एक अच्छी सी जॉब ऑफर लेकर अपने कॉलेज से पास आउट होगे राइट द थर्ड स्टेप इज मेक चॉइसेस देखिए कभी भी आप जब अपनी एक चॉइस बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम डरते हैं कि हम उस चॉइस पे अगर जाएंगे तो वो गलत होगा सही होगा हमें नहीं पता होता बट लोग वो देखते हैं कि उन्होंने ये चीज़ चूज़ करी थी और वो गलत हो गया वो जिंदगी में फेल हो गया वो आगे नहीं बढ़ पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो चॉइस करी थी उन्होंने जो चीज़ें चूज करी थी उससे वो फेल हो गए तो आप भी फेल हो जाओगे ऐसा कभी नहीं होता बहुत सारे मिसकन्सेपन्स हैं करियर काउंसलिंग को लेके करियर एस्पेक्ट्स को लेके बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं बट स्टिल यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट एंड बिलीव ऑन ऑन योर आईज विच यू सी राइट सो मेक च्वाइस बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल चूजिंग अ कोर्स वाइल चूजिंग अ करियर इसमें पहला क्या है सेट गोल्स आपको अपने गोल्स डिफाइन करने हैं कि मुझे क्या बनना है क्या चाहिए उसके लिए क्या कोर्स है राइट सो इट्स अ रिवर्स प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पायलट बनना है तो हम सीधे जाके एयर इंडिया से जाके नहीं बात कर सकते या इंडिगो से जाके कर नहीं बात कर सकते कि सर मुझे पायलट बनना है हम उन्हें बोलेंगे तो वो हमें भगा देंगे डेफिनेटली वो हंसेंगे हम पर राइट right? इसका ये तरीका होता है कि पायलट बनना है पायलट एक डेस्टिनेशन है पायलट बनने के लिए हमारे पास क्या क्या कोर्सेज uh, हैं राइट right? पहला स्टेप कौन कौन से कोर्स हैं जो हमें पायलट बनने की तरफ लेकर जाते हैं नंबर टू कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें वो कोर्स ऑफर करते हैं जिससे हम पायलट बनते हैं ठीक नंबर थ्री कॉलेज को चूज करने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं क्या क्या चीजें हैं जो एक अप्रूव करते हैं कॉलेज को दैट ही लाइक द कॉलेज कैन गिव यू द डिग्री ऑफ टू बिकम पायलट राइट So, ये रिवर्स जर्नी होती है जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे गोल क्या है अगर गोल सेट कर लिया है तो उसका रास्ता आप ढूंढिए आपको निकालना है अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि एस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है एस की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है राइट ग्रेजुएशन यानी कि आफ्टर ट्वेल्थ दैट स आपको एक ऐसा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन चूज करना है जहां पर आपको आपकी पढ़ाई एस के लिए इफेक्ट ना हो निगेटिव ना जाए और वो आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपके एस के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो relatable हो रिलेटेबल राइट एड्रेस बैरियर्स क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं आपकी जर्नी में ये आपको जानना है राइट नाउ द लास्ट स्टेप इज मेक इट हैपन आपने अपने आप को पहचान लिया आपने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ली आपने चॉइसेस बना ली अब आपको क्या करना है उसको करना है मेक right? इट है आपने जितनी भी चीजें बनाई जितनी भी ब्लू बनाए आपने जो भी चीजें करी उसको अब टाइम आ गया है निकालने का आपके सारे हथियार जो आपने तैयार करके रखे थे बहुत दिन से वो उसका टाइम आ गया है कि आप उन्हें निकालें और उनसे एक युद्ध के मैदान में उतरे और लड़ना शुरू करें आपकी जर्नी शुरू होती है जब आप बी फर्स्ट ईयर में जाते हो बीबी फर्स्ट ईयर में जाते हो बी में गए या डिफरेंट डिफरेंट बी फैट कोर्सेज में गया, गया बी फार्मा में गए डी फार्मा में गए राइट तो क्या करना है हमें फर्स्ट ईयर में हम गए हमारी जर्नी वहां से शुरू हो गई अब आपको वहां पर जाने के बाद ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं गलत कोर्स में आ गया या मैं गलत कॉलेज में आ गया राइट अगर आप उस जगह पर जाकर ये सोचेंगे इसका मतलब है आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी आपकी चॉइसेस गलत थी राइट ना नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको लगता भी है कि आप किसी कॉलेज में चले गए या किसी कोई आपने कोर्स चूज कर लिया जो आपके रिलेवेंट में नहीं है नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट इट टिल द एंड बिकॉज उसके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत हार्ड हार्ड वर्क होता है एफर्ट होता है और फाइनेंशियली भी चीज़ें होती हैं राइट टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल थिंकिंग कन्वेंशनल थिंकिंग बहुत कॉमन है आजकल बहुत लोग आजकल तो खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती थी कि भाई आ, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपने करियर चूज कर लिया और या किसी रिलेटिव के बच्चे का हमने देखा सक्सेसफुल है तो हमने उसको अपना लिया और चीज़ें हो गई हो गई तो ठीक नहीं हुई तो हमने हम तो हम फेल हो गए राइट कन्वेंशनल थिंकिंग का समय अब जा चुका है जनरली पीपल डोंट थिंक कन्वेंशनली राइट कन्वेंशनल थिंकिंग से मेरा मतलब है कुछ पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट इज टू चूज अ प्रोफेशन दैट पेरेंट्स लाइक मतलब एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना जो पेरेंट्स पसंद करते हैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पेरेंट्स गलत हो सकते हैं बट द थिंग इज़ जो चीज़ें आप जानते हो वो चीज़ें हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ना जानते हो राइट दैट मीन्स आप गूगल गूगल पे सर्च uh, कर लेते हो चीज़ें देख लेते हो और उससे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को मोबाइल ऑपरेट ना करना होता हो या उन्हें उन्होंने नहीं देखा हो कि कैसे गूगल पे सर्च करते हैं या उन्हें नहीं पता वो फैक्ट्स जो आपने किसी कॉलेज के बारे में देखे हो कि नहीं यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए यह अच्छा नहीं है ये अकेडिटेड नहीं है आपके पेरेंट्स को वो चीज़ें ना पता हो Right? राइट वो आपसे कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है इसी कोर्स में लेना है तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं डियर पेरेंट्स ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इस कॉलेज में, इस में या इस कोर्स में ये ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं राइट सो इट्स नॉट अ चॉइस और नीदर इट्स इट इज अ ऑप्शन मतलब ये आपको करना ही है जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि नहीं बेटा तुम्हें ये करना है और आपने वो करना शुरू कर दिया भले ही आप आगे जाकर फेल हो जाए इवेंचुअली उससे आपकी लाइफ इफेक्ट होगी सेकेंड पॉइंट इज टू फॉलो वट अदर्स डू सबसे पहले मैंने बताया था ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि जो वो लोग कर रहे हैं हमारे पड़ोसी ने ये कर लिया और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया आजकल सब आईटी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस पे जा रहे हैं तो हम भी वही कर लें ऐसा नहीं होता हो सकता है आप बीटेक कर लें सीएस डिपार्टमेंट से सीएस ब्रांच से आपने बीटेक कर लिया आप किसी अच्छी सी कंपनी सपोज इंफोसिस या किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो गए प्लेस होने के बाद वहां पे आपने अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया कंपनी आपको 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 निकाल देगी करेगी टर्मिनेट कर देगी क्योंकि आपका परफॉर्मेंस टू द पॉइंट नहीं आ रहा है राइट इट्स बेटर कि अगर आपको आर्ट्स पसंद था तो आपने वहां पर बैचलर्स इन फाइन आर्ट कर लिया और आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनकर चार साल पांच साल के बाद आ रहे हैं कि मैंने दुनिया भर में नाम कमा लिया सो विच इज बेटर राइट मतलब आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है तो हमेशा अपने जो ऑप्शन जो आपको पसंद हो हमेशा वही चूज करना चाहिए और मैं हर स्लाइड के एंड में ये चीज़ कह रहा हूं कि ऑलवेज लिसन टू यूर हार्ट एंड बिलीव वॉट यू सी राइट थर्ड पॉइंट इज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन जनरली आजकल क्या है कि हर कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ ही जा रहा है बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद आप लोगों के पास 256 करियर ऑप्शंस होते हैं देर आर 256 करियर ऑप्शंस करियर चॉइसेस यू कैन मेक एक्चुअली राइट एंड Uh, बहुत से बच्चों को अवेयरनेस नहीं है उन्हें पता नहीं है कि कौन कौन सी फॉर एग्जाम्पल एयोनोटिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनिंग फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी फॉर एग्जाम्पल बी एस सी इन बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बी एस सी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सो इतने सारे ऑप्शन हैं इतने सारे करियर ऑप्शन हैं तो कभी ये मैं सोचेगा कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हैं ठीक पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जॉब अब्रॉड बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम आ, सीधे ट्वेल्थ के बाद जाएंगे कुछ ऐसा कोर्स कर लेंगे और हमें बाहर विदेश में जॉब लग जाएंगे और हम चले जाएंगे ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स क्वालिफाई करने होते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के बाद आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है आइल्स का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो इंटरनेशनली आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसके आपके स्कोर के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप uh, मिलती है लाइक यू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस uh, After qualification, like after qualifying that IELTS exam, right? So there are a lot of exams like GMAT and GRE. So whenever you'll like you'll be graduated from Indian any any Indian university, you'll get to know about these examinations. Uh, so it's actually a fact that uh, बहुत लोग सोचते हैं बहुत ये myth होता है कि हम सीधे ऐसे जाएंगे और हमें सीधे बाहर job offer हो जाएगा या जा हमें कोई ऐसा चीज offer हो जाएगी abroad से हम सीधे चले जाएंगे। It doesn't actually happen. नेक्स्ट इज करियर ऑफर्स यू अ गवर्नमेंट जॉब मोस्टली क्या होता है कि uh, मैं बता देता हूँ कि मिडिल क्लास और uh, कुछ फैमिलीज में ये सोचते हैं कि हमेशा हम अगर हमें uh, एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो हमारी लाइफ सेटल्ड है हमारा करियर सेटल्ड है बट ऐसा नहीं होता हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत मल्टी हो आपकी ज़रूरत कॉर्पोरेट में हो और कॉर्पोरेट में जाकर आप जितना पैसा कमा लोगे उतना पैसा हो सकता है गवर्नमेंट में रह के ना कमा पाओ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका अच्छा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा है वर्ड डॉक्यूमेंट अच्छा है आप अच्छे से काम कर लेते हैं यू हैव अ गुड कल्चर यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एटिकेट्स यू हैव गुड बिहेवियर यू हैव गुड एटीट्यूड देन एक्चुअली कारपोरेट कल्चर में यू विल गेट टू पे यू लाइक यू विल गेट पेड बाई टू लैक ऑफ रुपीज़ थ्री लैक ऑफ रुपीज़ इट एक्चुअली हैपन्स वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे तो आपको चालीस हज़ार महीना मिलेगा लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में सेटलमेंट है प्राइवेट जॉब में सेटलमेंट नहीं है Uh, मेरे दोस्त जब आप दो लाख रुपए महीना कमाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका करियर सेटल्ड हो गया और ऐसा नहीं होता कि एक कॉर्पोरेट से जॉब से आप अगर जॉब चली जाती है सो यू कैन नॉट अप्लाई टू सम अदर जॉब डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड देर इज ऑलवेज अ हाइक अन यू अप्लाई इन डिफरेंट कंपनीज यू स्विच ओवर दी कंपनीज राइट जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जाते हो तो आपका हाइक होता है तो ये कन्वेंशनल थिंकिंग है कि गवर्नमेंट जॉब में हमारा बच्चा सेटल्ड हो जाएगा ऐसा नहीं होता ठीक राइट आपको वही मोनोटेनस लाइफ चलने शुरू हो जाएगी हो सकता है आप और लेजी हो जाओ Uh, बह, बहुत से मीम्स और वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल या बैंक के कर्मचारी कैसे बिहेव करते हैं uh, वहीं पर बैठे रहते हैं खाते हैं टॉलरेट करते हैं कस्टमर बेचारे परेशान हो रहे होते हैं सो दिस इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ लाइक आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग सम वन आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग सम बडी ऑन प्रोफेशन डेफिनेटली दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब बट समाइम्स इट हैपन ड्यू टू दीज एक्सेप्शन सच टाइप ऑफ पीपल एक्चुअली कम राइट नाओ एम्बिशंस वर्सेज रियालिटी अब क्या करना है कि आपने एक चीज़ सोची ठीक आपने एक सपना देखा आपने एक इमेजिनेशन करी उसका रियालिटी में कन्वर्जन कैसा है दैट मीन्स आपका जो भी आपने चीज़ें इमेजिन करी हैं क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है अगर हाँ करता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसके क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स है यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज एस्पेक्ट्स राइट

स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ कुछ देर अकेले रहिए दिन भर का 24 घंटे में से एटलीस्ट आप एक दो घंटा अपने सा, अपने साथ बिताइए और सोचिए कि क्या क्या चीज़ें आप अपने लाइफ में कर रहे हैं क्या जो कर रहे हैं उससे आपका करियर कहाँ तक जाएगा अगर जो नहीं कर पा रहे हैं क्या छूट रहे हैं उसके रीजंस क्या क्या हैं उसके लिए आपको कैसे अपने एफर्ट्स करने हैं आपकी लाइक्स क्या हैं आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं आपके डिसलाइक्स क्या हैं क्या क्या चीज़ें आप पसंद करते हैं आपका पैशन किस चीज़ में है अगर आपको नहीं पता है तो डेफ़िनेटली द फर्स्ट स्टेप इज़ आपको पहचानना पड़ेगा ख़ुद को आपको नहीं पता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो या आप चेस अच्छा खेलते हो या फिर आप डिज़ाइनिंग अच्छी करते हो तो आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो अगर आपको प्लेन्स पसंद है आप एयनोटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो आपको केमिस्ट्री पसंद है आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो सो यू हैव टू आइडेंटिफाई और मुझे लगता है कि ट्वेल्थ पास करने के बाद हर स्टूडेंट ये जानने में सक्षम होता है कि उसके लाइक्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं मेक अस्ट ऑफ इट मेक अफ इट एंड कीप इट विथ योर सेल्फ ऑल राइट सेकेंड पॉइंट इज एम्बिशन कैन नीदर बी इंजेक्टेड नॉट बी इमिटेटेड इसका मतलब यह होता है कि जो आपके एम्बिशंस हैं जो आपके अंदर से जो चीजें आ सकती हैं ना वो आपके अंदर कभी भी कोई फिक्स नहीं कर सकता कोई कभी भी आपके अंदर वो चीज़ इंजेक्ट नहीं कर सकता कि आपका पैशन क्या है ये आपका पैशन और यही आपको करना है नो बडी कैन टेल यू अबाउट दिस राइट ओनली यू एंड यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन your capabilities will be depending on your passion only right third point is parents attitude cannot be a determining factor in shaping one's career goal that means अगर आपके parents कुछ कहते हैं आ, मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट करने को नहीं बोलूँगा बट द थिंग इज उन्हें आपको समझाना पड़ेगा कुछ चीजें ठीक है पेरेंट्स का एटीट्यूड आपकी एंबिशन और रियलिटी जो आपकी जो करियर है उस पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए राइट right? कि मेरे पापा ये पसंद करते हैं मेरी मम्मी ये पसंद करती हैं तो आई विल डू दिस मेरी मम्मी को कुकिंग पसंद है तो मैं आई आई मेक माई करियर इन कुकिंग इट ऐसा नहीं होना चाहिए यू हैव टू टेल दैम कि पापा मम्मी ये मेरा करियर है और मुझे यही चीज़ें पसंद है एंड आई वुड डेफिनेटली प्रिफर टू टू मेक माई करियर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम राइट आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है और आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको इंजीनियरिंग करना है आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में जाना आपको है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है राइट सो यू कैन नॉट डू दैट विथ योर सेल्फ राइट बिकॉज क्या होगा कि देखो आफ्टर समाइम यू विल रियलाइज़ दैट जो आपने आपको लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस दे रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि जो वो कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ या वो मैं मान रही हूँ या मैं बहुत पंक्चुअल uh, हूँ मैं बहुत हैबिचुअल हूँ uh, मैं बहुत पेरेंट्स के लिए बहुत अपने डेडिकेटेड uh, हूँ ऐसा नहीं होता बेटा जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे रियलिटी में जाओगे तो रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ये बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि नहीं दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी वहां पर अगर आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट आप वही करियर चूज करें जो आपको हमेशा से चूज करना था ठीक नेक्स्ट स्लाइड इज वेयर डू रेविंग्स हेल्प रेविंग्स कैसे हेल्प करता है रेविंग्स क्या है ठीक रेविंग्स इज एन एटेक कंपनी दैट बिलीव्स इन इंप्रोवाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मेन्टोरशिप एट ईच लेवल Uh, हम रेविंग्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें बहुत सारे लेवल्स पर हेल्प करते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हमें हेल्प करना होता है एंड इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देयर करियर अ सक्सेस फर्स्ट लेवल इज स्कूल लेवल स्कूल लेवल पर हम बच्चों को क्या होता है कि हम उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है आफ्टर टेंथ आफ्टर ट्वेल्थ की हम क्या करें और उन्हें नहीं समझ में आता सो वी हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग लाइक लॉट ऑफ करियर ऑप्शन हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हैं नॉट जस्ट द करियर ऑप्शन बट ऑल्सो वी शो दैम द एग्जैक्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड द एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ आर कंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम जो वो चूज करना चाह रहे हैं तो क्या इसमें करियर के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और कौन से कॉलेजेस बेस्ट होते हैं उसके लिए राइट right? और हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिससे हमारा करियर एक सक्सेसफुल बन सकता है सेकेंड इज कॉलेज लेवल स्कूल के बच्चे जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं राइट right? तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजनस होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मिथ होता है कि नहीं कम्युनिकेशन स्किल से सिर्फ जॉब नहीं मिलता या अगर हम अपने मार्क्स अच्छे ले आएंगे हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं भी है तो हमें Uh, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी कम्युनिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता ऐसा नहीं होता आप लोगों को बता देता हूँ कि इन टूडेज़ एरा ऑलमोस्ट एटी परसेंट और एटी टू एटी फाइव परसेंट कंपनीज आर एक्चुअली हायरिंग कैंडिडेट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो शायद हो सकता है कि आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाए क्योंकि आपने सिर्फ अपने कोर सब्जेक्ट पर ध्यान दिया आपने एटी एटी फाइव परसेंट लिया है आप ले आए बट स्टिल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है आपको नहीं पता कि एक ई मेल कैसे ड्राफ्ट करता है राइट right? या कंपनीज में इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं उनके कुछ आंसर्स होते हैं बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन होता है सैलरी एक्सपेक्टेशन का इसको बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिया जाता है बट ओनली इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स से मेरा मतलब इंग्लिश नहीं है कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि जो बात सामने वाला आपसे पूछ रहा है आप उसको उसी के लहजे में वो आंसर कर पाए और वो उस आंसर को समझ पाए दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स English is definitely a must because most of the companies actually require English language as English is the most acceptable language in this whole world, right? So ravings पर बहुत सारे ऐसे उन्हें training courses हैं जो हमें हम उन्हें बताते हैं कि training की क्या importance है और कौन-कौन से types की trainings होती हैं, for example corporate culture की training अलग होती है, behavioural training अलग होती है, dressing sense की training अलग होती है, communication skills की training अलग होती है राइट वॉकिंग स्टाइल टॉकिंग स्टाइल लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली ग्रूम फाइंड थर्ड इज वर्क प्लेस लेवल कल को आप कॉलेज खत्म करके एक किसी कंपनी में चले गए जहां पर आपका प्लेसमेंट हो गया या जहां पर आपको जॉब लग गई वहां पर यू आर गोइंग टू वर्क सो क्या होता है कि जॉब लेना तो आसान होता है बट जॉब में सर्वाइवल टफ हो जाता है क्योंकि जॉब में सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत कॉम्पिटेंट होना पड़ता है कॉम्पिडेंट होने से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक कलीग है जो आपके जस्ट बगल में बैठा है और वो कंपनी में काम कर रहा है आपके बाद ज्वाइन किया था बट स्टिल ही गॉट प्रोमोटेड टू सम डेजिग्नेशन सम हायर डेजिग्नेशन क्यों बिकॉज उसने कुछ सर्टिफिकेशन अच्छे से कर लिए उसकी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है उसका डेडिकेशन जो है आपसे बेटर है उसकी कम्युनिकेशन आपसे बेटर है ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं तो वी ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स और यू कैन से एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और इंस्टीट्यूशनस स्टार्टअप लेवल बहुत से बच्चे आजकल आप लोगों uh, लो, बहुत फेमस है बच्चों में दैट एक्चुअली दे आर गोइंग फॉर स्टार्टअप एंड एक्चुअली द थिंग इज कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें हम फिनशियल सपोर्ट करते हैं और उन्हें आइडियाज़ को उनके आइडियाज़ को हम ब्लू प्रिंट बना के देते हैं उन्हें प्लान बना के देते हैं उन्हें मार्केटिंग स्ट्रैटजीज बना कर देते हैं राइट right? सो so, उन स्ट्रैटजीज़ पे अगर स्टूडेंट्स वर्क करते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हम बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसे प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे कनेक्शन डेवलप करके उनको देते हैं दैट इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम टू इस्टबलिश देयर ओन स्टार्टअप और राइट सो लेट्स टॉक अबाउट करियर करियर दो टाइप के होते हैं राइट right? दो तरीके से करियर बनाए जाते हैं फर्स्ट इज़ एजुकेशन बेस्ड करियर सेकेंड इज़ टैलेंट बेस्ड करियर आई गिव एन एक्जाम्पल ऑफ एजुकेशन बेस्ड करियर अगर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है कि आप लोगों ने बी टेक चूज़ किया फॉर एक्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छा लगा आपको पता नहीं था चीज़ें बट स्टिल आपने बहुत अच्छा किया अच्छे से ग्रेजुएट है एक अच्छी सी कंपनी में आप प्लेस हो गए और अपना करियर आपने शुरू कर दिया राइट दिस इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन बेस्ड करियर सेकेंड इज़ टैलेंट बेस्ड करियर टैलेंट बेस्ड करियर मीन्स बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि म्यूजिक में भी डिग्री होती है There are a few colleges who actually provide graduation degree or post-graduation diploma in music industries also So this is what? It is actually a talent-based career You talent a career based career Aapke talent and you got success in So this successful career is actually called as talent-based career Alright, so let's talk about something very very important for you That is your job अल्टीमेटली हम लोग जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं जितने भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी जॉब मिले एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले जो हमें बहुत अच्छा पे करे जो हमारे सारी फैमिली जो है उसको इसकी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए राइट सो एक जॉब मिलना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी प्रेशियस वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है उसमें लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि वो जॉब मिलने का जो सफ़र है जो जर्नी है दैट इज़ वेरी टफ नाउ अगर आपको जॉब मिलता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज इंटरेस्ट अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी डू यू गैस रिमेंबर दैट ओके आई टेल यू अगर आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी में अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो जो आपको जो आपका काम है जो आपका नौकरी है जो आपकी जॉब है वो एक्चुअली वर्क नहीं रह जाता क्योंकि आप उसको करने में बहुत एंजॉयमेंट फील करेंगे एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस स्लाइड दैट योर जॉब एक्चुअली गेट्स अफेक्टेड बाई योर इंटरेस्ट योर वैल्यूज योर एबिलिटीज एंड स्किल्स ठीक कैसे इंटरेस्ट आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में था फॉर एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी ट्वेल्थ में तो आपने क्या किया उन केमिकल्स के बीच में रहने के लिए आप, आपने बी टेक कर लिया केमिकल इंजीनियरिंग से अब उस केमिकल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट था तो आप आगे बढ़ गए ना हो अब आप जब बीटेक e करने के बाद किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे दैट मीन्स आप कभी बेमानी नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ आपको लगेगा कि नहीं अगर कोई केमिकल या कोई ऐसा एडिटिव है जो आपको किसी फूड कॉम्पोनेंट में मिलाना है एंड विच इज़ हार्मफुल तो विल नॉट डू इट बिकॉज यू नो दैट द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट गोइंग टू बी गुड राइट सो दीज आर वैल्यूज विच यू अर्न थ्रू योर जॉब नेक्स्ट इज योर एबिलिटीज एंड स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये अगर आपके पास एबिलिटीज है और आपने उनको पहचान लिया है सो बिलीव मी इस दुनिया में आपसे बेहतर और आपसे खूबसूरत इंसान है ही नहीं राइट right, अब आपकी एबिलिटीज और स्किल्स पहचानने के बाद अगर आपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में अपना कदम नहीं बढ़ाया देन इट इज योर फेलियर फॉर श्योर नाउ एट रेविंग्स आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू असेसमेंट्स विच आर अवेलेबल एंड द फर्स्ट वन इज़ साइकोमेट्रिक सेलेक्शन टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम स्टूडेंट्स के ब्रेन uh, के साथ हम uh, कुछ क्वेश्चन करते हैं कुछ उन्हें कुछ उनका ब्रेन के स्टेटस हम पहचानते हैं और उनके बिहेवियल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उन्हें बताते हैं दैट डीज आर द करियर ऑप्शन विच यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर राइट सेकेंड इज़ पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आर्स हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं कुछ ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपसे बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे और आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके आपको करियर ऑप्शन बताते हैं थर्ड इज़ एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट आपकी रीजनिंग एबिलिटी uh, कितनी है आपका दिमाग कितना लॉजिकल है आप कितना टेक्निकल सोच पाते हैं इसके लिए ये टेस्ट है सो दीज टेस्ट आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन आइडेंटिफाइंग योर करियर एज पर योर इंटरेस्ट एज पर योर वैल्यूज एज पर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ डू वी वर्क हम काम कैसे करते हैं हम तीन स्टेप में काम करते हैं सबसे पहला स्टेप है खोज खोज का जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको हेल्प करेंगे और हम खुद भी इस चीज में बहुत ज़्यादा इंटीमेट होंगे कि हम पहचान पाएं कि आपके अंदर क्या केपेबिलिटीज हैं खोज जैसा कि नाम से पता चल रहा है वी सर्च आउट द केपेबिलिटीज इन यू देन उदय उदय में क्या है हम आपको हेल्प करेंगे टू मेक अ प्लान आप अपने करियर को लेके कैसा प्लान करते हैं क्या चीज़ें आप रखना चाहते हैं अपने करियर में अपने चॉइसेस में या अगर आप स्टार्टअप करें तो क्या क्या आपके पास कनेक्शन होने चाहिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए राइट थर्ड स्टेप इज विंग्स जब आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया जब आपने सारी रिसोर्सेज एक्सप्लोर कर लिए देन आता है थर्ड ऑप्शन कि आपको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पर बैठकर आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं जहां पर बैठकर आप अपने करियर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं जहां पर बैठकर आप अपने जॉब को अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी का टारगेट आप करते हैं जो शायद आपके बैचमेट्स ना ले पाएं बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट इट बिकॉज वी हैव हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग योर गोल रेविंग्स uh, में हम जानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं जिसमें बच्चों को एक करोड़ तक की हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चा भी uh, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है या जिसे हमें लगता है कि बहुत अच्छे से वो अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएगा एंड ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट द करियर देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प दम फाइनेंशियली एज वेल राइट Uh, जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आने वाली है उस वीडियो में आप लोग देखोगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं किस कोर्स को करने से क्या बेनिफिट होने वाला है साइंस में आर्ट्स में कॉमर्स में लाइक बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रीम्स आर देयर सो इन नेक्स्ट वीडियो यू विल बी गेटिंग अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ दीज डोमेन्स एज वेल एज सम अदर डोमेन्स जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो

द एम ऑफ एजुकेशन इज द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ वैल्यूज एंड विच एक्चुअली गेट रिलेटेड विथ डिविजन ऑफ रेविंग्स रेविंग्स में हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी देते हैं उसके साथ साथ हम उन्हें वो वैल्यूज सिखाते हैं जो एक लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड दीज लाइन्स वर्क फ्रॉम विलियम एस बरोज एंड देक्चुअली मोटिवेट मी एज अ पर्सन क्योंकि मैं जब भी ये लाइन्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है येस आई हैव वर्न वैल्यूज़ Now it's time for you. Thank you so much. All the best.